अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज रेनल फेलियर, टॉपिक 20, चैप्टर 15, होम्योस्टेसिस। रेनल फेलियर इज नोन एज कंप्लीट और पार्शियल लॉस ऑफ किडनी फंक्शनिंग। जब हमारे किडनी की जो फंक्शनिंग है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए या उसके अंदर पार्शली कुछ डिफेक्ट्स आ जाएं, सो उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, रेनल फेलियर। रेनल फेलियर के केस में हमारे पास दो क्योर हैं। रेनल फेलियर इज़ अ प्रॉब्लम एंड वी हैव टू क्योर्स, डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस इज द क्लीनिंग ऑफ ब्लड थ्रू आर्टिफिशियल किडनी। डायलिसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम ब्लड को क्लीन करवाते हैं थ्रू आर्टिफिशियल किडनी। ये आर्टिफिशियल किडनी डायलिसिस हीमोडायलिसिस की फॉर्म में भी हो सकता है और पेरिटोनियल डायलिसिस के फॉर्म में भी। हीमोडायलिसिस, फर्स्ट वी विल डिस्कस हीमोडायलिसिस। Hemodialysis mean cleaning the blood. Hemodialysis mean cleaning the blood. Cleaning the blood is known as hemodialysis means cleaning the blood. In hemodialysis, we used a machine and that machine is known as dialyzer. Hemodialysis के अंदर जो machine use होती है उसका क्या नाम है, dialyzer. इस dialyzer के अंदर आप देखें दरमियान में बारीक tubules जिसे हमने separate किया होता है with the help of epithelium, बारीक membrane से इन टेब्यूल्स के अंदर फ्लो कर रहा होता है पेशेंट का ब्लड। डायलाइजर को दो कंपार्टमेंट्स, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया होता है, टिब्यूल्स एंड सर्कुलेटिंग फ्लूइड। जो टिब्यूल्स होती हैं दैट टिब्यूल्स इट कंटेन्स पेशेंट ब्लड। इसके अंदर पेशेंट का ब्लड होता है विच कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस मेटाबोलाइट्स। Around this tubule, there is present a fresh fluid जिसकी composition और osmotic balance around these tubules, there is a fresh fluid is present and this fresh fluid is known as dialyzing fluid. इस dialyzing fluid की जो composition होती है और ऑस्मोटिक बैलेंस होता है इस डायलाइजिंग फ्लूइड की कंपोजिशन और ऑस्मोटिक बैलेंस ऑलमोस्ट सेम होता है हमारे ब्लड के। सो सेम थिंग विल हैपन जो कि किसमें होती है, डिफ्यूजन में। हमारे ब्लड के अंदर या पेशेंट के ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, उसकी अमाउंट क्या है, बहुत ज़्यादा, और जो बाय फ्लूइड है उसके अंदर उसकी अमाउंट बिल्कुल ही कम है या बिल्कुल ही नहीं है। सो चीज़ें हमेशा मूव करती हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इस एपिथीलियम को क्रॉस करके जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो ब्लड से मूव करके कहाँ पर आ जाएगा, इस फ्लूइड के अंदर। एंड जो फ्रेश ब्लड है, क्लीन ब्लड है, वो दोबारा से किस में इंजेक्ट कर दिया जाता है, पेशेंट के अंदर। आई विल अगेन रिपीट द मैकेनिज्म। अनक्लीन ब्लड जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट बहुत ज़्यादा है उसे मशीन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। मशीन का नाम क्या है, डायलाइजर। कितने कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किए, दो कंपार्टमेंट्स, ट्यूबुलर पार्ट और उसके सराउंडिंग फ्लूइड।
ट्यूबुलर पार्ट के अंदर क्या है, पेशेंट का ब्लड, और सराउंडिंग फ्लूड क्या है, डायलाइजिंग फ्लूड। डायलाइजिंग फ्लूड और ब्लड की जो कंपोजिशन है ऑलमोस्ट सेम होती है, और उसके अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो भी ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है। बट जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसकी कंसंट्रेशन पेशेंट के ब्लड में क्या होती है, ज़्यादा, और डायलाइजिंग फ्लूड में वो बिल्कुल नहीं होती। क्या प्रोसेस होगा डिफ्यूजन का, सारा का सारा जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो मूव करके कहाँ पे आ जाएगा, इस डायलाइजिंग फ्लूड में, और इस डायलाइजिंग फ्लूड को फिर कलेक्ट कर दिया जाता है इनटू अ स्टोरेज टैंक। इस स्टोरेज टैंक के अंदर क्या है, कंज्यूम्ड फ्लूड, और ऊपर वाले स्टोरेज टैंक के अंदर क्या है, फ्रेश फ्लूड। जो फ्रेश ब्लड होता है, क्लीन ब्लड, उसे दोबारा से इंजेक्ट कर दिया जाता है इनटू द पेशेंट बॉडी। सो दिस इज ऑल अबाउट द हीमोडायलिसिस, जिसके अंदर हम डायलिसिस करते हैं थ्रू अ मशीन नोन एज डायलाइजर। सेकेंड डायलिसिस इज पेरिटोनियल डायलिसिस। इन पेरिटोनियल डायलिसिस सेम प्रिंसिपल पे वर्क करती है एज पेरिटोनियल डायलिसिस वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज हीमोडायलिसिस। बट इन दिस केस पेरिटोनियम विच इज अ कैविटी अराउंड द बैली, हमारे स्टमिक के इर्द गिर्द, हमारे बैली रीजन के अंदर जो कैविटी है इसे हम क्या कहते हैं, पेरिटोनियम। देर इज अ कैविटी नोन एज पेरिटोनियल कैविटी विच इज प्रेजेंट अराउंड द स्टमक इन द बैली रीजन, एंड दिस मेम्ब्रेन विच सराउंड दिस कैविटी इज नोन एज पेरिटोनियम। पेरिटोनियल इज अ कैविटी एंड मेम्ब्रेन इज नोन एज पेरिटोनियम। इन पेरिटोनियल कैविटी वी इंजेक्ट द फ्रेश फ्लूड। फ्रेश फ्लूड यहाँ पे जो कैपिलरीज हैं, पेरिटोनियल कैविटी की खास बात ये है कि इसके अंदर एक्सटेंसिव सप्लाई है ब्लड कैपिलरीज की, और ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट की अमाउंट क्या है, ज़्यादा। सेम थिंग विल हैपन, यहाँ से नाइट्रोजनस वेस्ट मूव कर जाएगा इनटू द फ्लूड, उस फ्लूड को हम कहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे, इनटू द बैक जो कि पेशेंट की बैली के साथ अटैच होता है, और ऊपर से फ्रेश फ्लूड दोबारा से क्या कर देते हैं, इंटर। दिस इज अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, दिस इज कंपैरेटिवली एफिशिएंट प्रोसेस। ये वाला जो प्रोसेस है पेरिटोनियल डायलिसिस वाला, पेशेंट को रिपीट करना पड़ता है 2 times per day। हीमोडायलिसिस वाला जो प्रोसेस है ये पेशेंट को रिपीट करना पड़ता है 2 to 3 times per week। सो दिस इज ऑल अबाउट द डायलिसिस। देर आर 2 approaches, 2 types of dialysis, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस टेक्स प्लेस इन डायलाइजर, पेरिटोनियल डायलिसिस टेक्स प्लेस इनटू द पेरिटोनियल कैविटी इनटू द पेशेंट। एफिशिएंट प्रोसेस, लेस एफिशिएंट प्रोसेस, बट बोथ आर टाइम टेकिंग प्रोसेस एंड बोथ आर टेम्परेरी प्रोसेस, नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन ऑफ रेनल फेलियर। द परमानेंट सोल्यूशन ऑफ रेनल फेलियर इज किडनी ट्रांसप्लांट, जिसके अंदर जो पेशेंट का किडनी है उसे रिप्लेस कर दिया जाता है विद अ हेल्थी किडनी। पेशेंट्स परमानेंट सोल्यूशन इज किडनी ट्रांसप्लांट, इन विच पेशेंट्स किडनी रिप्लेस्ड विद द हेल्दी किडनी। सो देर आर 2 main cures ऑफ रेनल फेलियर, डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट। टूडे वी डिस्कस्ड डायलिसिस, इट्स टाइप एंड इट्स प्रोसेसिस, एंड देन किडनी ट्रांसप्लांट, इट्स प्रोसेसिस। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेनल फेलियर, दिस इज ऑल अबाउट आवर टूडेज लेक्चर इन विच वी डिस्कस्ड डायलिसिस एंड इट्स टाइप्स, द क्योर ऑफ रेनल फेलियर, द टेम्परेरी सोल्यूशन ऑफ रेनल फेलियर,
एंड द परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ रेनल फेलियर. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर.